मुंबई के सबसे बड़े सरकारी KEM अस्पताल के अनुसूचित जाति के एक छात्र ने अपने साथ पढ़ने वाले कुछ छात्रों और डॉक्टरों पर रैगिंग का आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि उस पर जातिगत टिप्पणी की गई और उसे 3 साल से सताया जा रहा है। इस संबंध में मुंबई पुलिस ने अब FIR दर्ज करके मामले की जाँच शुरू कर दी है। KEM अस्पताल के बाहर हाथों में रोहित वेमुला, पायल तड़वी की तस्वीरों के साथ ही अलग अलग बैनर लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन KEM स्टाफ और उन छात्रों के खिलाफ किया गया जिन पर इसी अस्पताल के अनुसूचित जाति के छात्र ने रैगिंग और जातिगत टिप्पणी का आरोप लगाया है। मुंबई के KEM अस्पताल के अनुसूचित जाति के एक छात्र ने अपने साथ पढ़ने वाले कुछ छात्रों और डॉक्टरों पर रैगिंग का आरोप लगाया है। पीड़ित छात्र ने कहा कि मुझे हमेशा ऊपर से नीचे फेंकने की धमकी देते थे, आवाज नीचे रखने को कहते थे, बात करो तो मुझे धमकाते थे, मारने की धमकी देते थे, मुझे गालियां देकर जातिगत टिप्पणियां भी करते थे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पिछले 2 साल से कुछ छात्र उसके खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर उसकी रैगिंग कर रहे थे। शुरुआत में पीड़ित को पलंग पर सोने नहीं दिया गया और उसे जूते चप्पलों के पास सोने को मजबूर किया गया। बार बार सताए जाने पर बीच में हताश होकर पीड़ित अपने गाँव हिंगोली चला गया। साल 2019 में कॉलेज प्रशासन से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऊपर से अस्पताल प्रशासन ने छात्र को ही डराने की कोशिश की। पीड़ित के पिता ने कहा कि वे बोले कि ऐसा हुआ ही नहीं, यह झूठ है, उसको हम स्कूल से निकाल देंगे अगर वो ऐसा ही करता रहा तो। अब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है, वही अब इस रैगिंग मामले के दोषियों पर जल्द ही कार्रवाई होने का इंतजार है। कि कॉलेज ने FIR लॉन्च करना चाहिए था, हमारा मांग था कि कॉलेज ने खुद होके FIR लॉन्च होना चाहिए था, वो कॉलेज ने आज तक किया नहीं। अने कॉलेज का जो निग्लिजेंस है, ये निग्लिजेंस नहीं है, ये इंटेंशनली किया है। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।